Hey guys, welcome back again on my YouTube channel. This is Dr. Priya Kaul and we are now talking about angel number. और आज हम पहुंचे हैं angel number 8 पर, यानी कि angel number 888, 888, 888. और इससे मुझे याद आया कि अभी अभी ही हमारे लायंस गेट पोर्टल भी ओपन हुआ था हमारी मेडिटेशंस के लिए, ताकि इस जीवन में, इस लाइफ टाइम में हम अपनी लाइफ को और ज्यादा हेल्प कर सके, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर सके टू अचीव व्हाट आवर सोल डिजायर्स. लायंस गेट पोर्टल एक ऐसा पोर्टल होता है जो आपको हेल्प करता है आपकी वाइब्रेशंस को, आपकी कॉन्शियसनेस को रेज करने के लिए, सो दैट यू कैन अट्रैक्ट व्हाटएवर यू आर मैनिफेस्टिंग राइट नाउ. आपका, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको पता भी नहीं है कि इस तरीके के भी पोर्टल्स होते हैं, बट यस, ऐसे बहुत सारे पोर्टल्स आते हैं. जब रिपीटेटिव नंबर्स आते हैं, जैसे कि 2 फरवरी 2022, 22 फरवरी 2022, ये भी एनर्जेटिक पोर्टल था. फिर August 8, ये हर साल आपको मिलता है, पोर्टल आपके लिए अवेलेबल होता है. इट इज कहीं ना कहीं इट इज कनेक्टेड विद अ डिफरेंट प्लैनेट, अ प्लैनेट नेम सीरियस. थोड़ा सा आप इसके बारे में जानेंगे तो आपको पता लगेगा. हालांकि मेरे वेबसाइट पे इसकी मेडिटेशन मैंने रिकॉर्ड करके रखी हुई है, तो पीपल हु रियली वॉन्ट टू एक्सपीरियंस दैट, यू नो, अ शिफ्ट इन देयर वाइब्रेशंस, वो जाके अभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. बट हाँ, इसका रिजल्ट उतना पावरफुल नहीं होगा, बिकॉज वो एक समय होता है, एक टाइम होता है जब ये वैलिड होती है, बट आप इसको फिर भी यूज कर सकते हैं. 8 को अगर आप समझेंगे तो क्या समझेंगे? व्हाट इज 8? सॉरी, मैं आपको कुछ बता नहीं सकती, बट इट इज लाइक दिस, यू नो, 8, इनफाइनाइट, कुछ ना खत्म होने वाला, अ लूप, यू नो. सो क्या है 8? 8 इज अ मैजिकल नंबर. 8 इज अ नंबर जो ना ही शुरू हो रहा है ना ही खत्म हो रहा है, इट इज कंटिन्यूअस. तो कंटिन्यूअस क्या है? कंटिन्यूअस सपोर्ट मिल रहा है हमारे को, कंटिन्यूअस हमारे पितृ, हमारे बुजुर्ग जो हमें छोड़ के जा चुके हैं, हमारे प्यारे प्यारे वो लोग जो हमें इस रेल्म को छोड़ के आगे बढ़ चुके हैं, असेंड हो चुके हैं, वो सारे लोग हमें ब्लेस कर रहे हैं. तो 888 का डीप मीनिंग होता है दैट डोंट फियर योर स्पिरिचुअल मास्टर्स, your ascended masters, your people, you know, your family is continuously blessing you. जो करना है लाइफ में confidently आगे बढ़िए, डरने की कोई बात नहीं है. They are holding your hands. Their energies are working for you. It's a magical number. तो एंजल 888 बहुत रेयर लोगों को दिखता है, बट उस समय पे ज्यादा दिखता है जब आप ग्रीफ में होते हैं, उस समय बहुत ज्यादा दिखता है जब आप डिप्रेशन में होते हैं, और उस समय ज्यादा दिखता है जब आपको ये लगता है कि लाइफ में कोई भी नहीं रहा जो आपसे प्यार करता है. तो अगर आपको ये नंबर दिख रहा है तो सबसे पहले आप थैंक्स करना शुरू करेंगे कि हे परमेश्वर, एंजल्स, आई एम थैंकफुल कि आपने मुझे ये नंबर दिखाया जिसके थ्रू मुझे ये समझ में आया कि मेरे जो असेंडेड फैमिली है या मेरे असेंडेड मास्टर्स हैं, वो मुझे हेल्प कर रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं इस लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ताकि मेरा जो सोल पर्पस है मैं उसको पूरा कर सकूं. सो जनरली होता क्या है कि, ये भी एक वीडियो का टॉपिक हो सकता है, बट मैं थोड़ा सा ग्लिम्प आपको यहां दूंगी कि होता क्या है कि हम सब का कोई ना कोई कर्म है जो हमें इस शरीर में आने के बाद करना है. हम सब ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा हुआ है जो कि हम पूरा करने में नाकामयाब होते हैं, इसीलिए हम यहां पृथ्वी पर फंसे रह जाते हैं. तो हमें वो याद करना है. तो 888 नंबर जो आता है या 888 नंबर जब आता है तो आपको ये याद कराने के लिए आता है कि गाइज, रिमेम्बर दैट यू साइंड अ बॉन्ड एंड वी आर देयर टू हेल्प यू आउट इन दिस सिचुएशन. ठीक है, तो अगर आपको ये नंबर दिखता है तो आंखें बंद करनी है और एंजल से बोलना है कि थैंक यू एंजल्स फॉर शोइंग मी दिस नंबर. आई रियली वॉन्ट दैट यू हेल्प मी आउट एंड लेट मी अंडरस्टैंड माई सोल पर्पस. इस तरीके की प्रार्थना करते हुए आपने आगे बढ़ना है. और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा जब आपने ये प्रार्थना करी और एंजल्स ने आपको क्या जवाब दिया. अब आप मुझसे पूछेंगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि एंजल्स हमसे बात कर रहे हैं. नंबर का तो मैंने आपको बताया ना,
दूसरी चीज होती है आपके भाव बदलते हैं, आपके अंदर के विचार बदलते हैं। एंजल सबके लिए काम कर रहे हैं, आप मानो या ना मानो, ठीक है। अगर आप नहीं मानते कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप मानते हैं तो आपको पता है कि एंजल्स सबके लिए काम करते हैं, जब से आप पैदा हुए हैं तब से आपके साथ हैं और कंटिन्यूसली आपको सपोर्ट करते रहते हैं। ये हमारा ही कॉन्शियस माइंड है जो हमें इन चीजों पर विश्वास करने नहीं देता। सो इसी विश्वास के साथ कि आप मेरी बातों पर जरूर विश्वास करेंगे और अपनी लाइफ को परिवर्तन करेंगे, एक अच्छी पड़ाव की तरफ लेके जाएंगे, अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करेंगे, मैं प्रिया कौल अब आपसे अलविदा चाहूंगी। मिलेंगे अगले नंबर पे, दैट इज एंजल नंबर 9, एंड यू विल टॉक मोर अबाउट इट। टिल देन हैव अ ब्यूटिफुल लाइफ अहेड। गुड बाय।